इधर दिल्ली मुंबई समेत मेट्रो शहरों में होटलों के बड़े किरायों का असर विदेशी टूरिस्ट के ट्रैवल प्लान पर पड़ रहा है। दिल्ली घूमने के लिए आए कई टूरिस्ट अब आगरा और जयपुर में ठहरते हैं और रात दिल्ली में बिताए बगैर उन्हीं शहरों को लौट जाते हैं, साथ ही वो अपनी ट्रिप भी अब छोटी रख रहे हैं। मैक्सिको की रहने वाली महात पहली बार भारत घूमने आई है। वो दिल्ली में ठहरना तो चाहती थी लेकिन होटलों के कमरों के किराए देखकर उनका इरादा बदल गया। उनके जैसे टूरिस्ट को लगता है कि अगर दिल्ली में ठहरना सस्ता होता तो वो यहीं रुककर शहर को ज्यादा करीब से देख पाते। I think better to go elsewhere because it's very very expensive and everything is money oriented, I feel, in Delhi. It would be nice that if with more rooms price would go down so more tourists could come and stay in the city and really really live the city. दिल्ली में फाइव स्टार होटल्स में एक दिन का रूम रेंट औसतन 15 से 18 हजार रुपए है। इसी तरह मुंबई में औसत किराया 20 हजार रुपए है, लेकिन दिल्ली से 5 से 6 घंटे की दूरी पर बसे आगरा और जयपुर जैसे शहरों में रूम रेंट इससे आधे हैं। जानकार मानते हैं कि महंगे किराए का असर टूरिस्ट के भारत में स्टे पर भी पड़ा है। पहले जहां अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट का भारत में औसत स्टे 17 से 20 दिन का होता था, वहीं अब ये घटकर 7 से 11 दिन रह गया है। जो इनक्रेडिबल इंडिया हम कैंपेन करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो थोड़ा सस्पेंड करके वो इनक्रेडिबल इंडिया का पैसा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में और होटल बनाने में शहरों के गेटवे सिटीज जैसे दिल्ली बम्बई है, इनमें लगाना चाहिए। फिलहाल दिल्ली में 20 हजार होटल रूम्स की कमी है और कॉमनवेल्थ गेम्स आते आते 50 हजार और कमरों की जरूरत पड़ेगी। कई टूरिस्ट भारत की बजाय चीन, श्रीलंका और सिंगापुर जैसे देशों में जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इन देशों में टूरिस्ट को $100 यानी 4 हजार रुपए के आसपास फाइव स्टार होटल रूम मिल जाता है। अभिजीत द्विवेदी, दिल्ली।